हर साल की तरह इस बार भी दिवाली पर भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। मुहूर्त ट्रेडिंग में एक्ट्रेस मौनी रॉय और एक्टर राजकुमार राव भी मौजूद रहे। दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स रविवार को 192 अंक की बढ़त के साथ 39,250 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 44 अंक चढ़कर 11,628 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान टाटा मोटर्स का शेयर 16.54% तक उछला। बीएसई के 30 शेयरों पर बेस्ड प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शाम को आयोजित विशेष सत्र के दौरान पिछले साल के मुकाबले 292.14 अंक यानी 0.49% की तेजी के साथ 39,225.20 पर बंद हुआ, जबकि इससे पहले सेंसेक्स 339.31 अंकों की बढ़त के साथ 39,397.37 पर खुला और 39,402.23 तक उछला। एक घंटे के कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 39,180.39 रहा। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एनएससी के 50 शेयरों का बेस्ड प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी 44.10 अंक यानी 0.38% की तेजी के साथ 11,628 पर बंद हुआ, जबकि इससे पहले निफ्टी 78.35 अंकों की बढ़त के साथ 11,662.25 पर खुला और 11,672.40 तक उछला। इस दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,604.60 रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही, जबकि 8 में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा तेजी वाले 5 शेयर में टाटा मोटर्स 16.54%, येस बैंक 4.99%, M&M 2.26%, VIDL 2.18% और इन्फोसिस 1.79% शामिल रहे। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा गिरावट वाले 5 शेयरों में मारुति 0.38%, भारती एयरटेल 0.64%, TCS 0.40%, HCL Tech 0.30% और पावर ग्रिड 0.30% शामिल रहे। बीएसई के मिड कैप सूचकांक 99.30 अंकों यानी 0.69% की तेजी के साथ 14,441.06 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 157.24 अंकों यानी 1.20% की तेजी के साथ 13,310.30 पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सालों से भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा निभाई जा रही है। हिंदू मान्यताओं में मुहूर्त किसी भी काम को करने का सबसे बेहतर समय माना जाता है। यही वजह है कि हर साल दिवाली के दिन एक घंटे के लिए बाजार में खास मुहूर्त कारोबार होता है। हर साल दिवाली पर भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। एक घंटे के लिए आयोजित ये सत्र इस बार शाम 6:15 पर शुरू हुआ और 7:15 तक चला। कारोबारियों का ऐसा मानना है कि इस मुहूर्त के दौरान कारोबार में फायदा होने से साल भर उनके व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा।